मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं तेरी एक्टिंग अच्छी है, तूने 3 साल ट्राई भी किया है मतलब थिएटर किया है, तो यू शुड ट्राई, 15 सेकंड की तो वीडियोस बनानी होती है, इतना मुश्किल नहीं है। बड़े से लाइक थिएटर में बैठी हूँ और मैं अपनी मूवी देख रही हूँ, कैसे तेरी खुद लोग करते ना अपनी पूरी बॉडी ऐसे मूव कर लेते, आई रियली लव दैट एंड एंजॉय दैट। Hi Riya, how are you? Hi, I'm great. So Riya, first of all हम start करते हैं आपकी personal life से, because आप social media influencer हो और हर कोई आपको on screen जानता है, तो आप real life में कैसे हो, personal life में Riya Soni कैसी हैं? I'm quite short tempered, like angry kind of person, ऐसे मतलब देख के लगता नहीं है, but हाँ मुझे आ जाता है गुस्सा थोड़ा जल्दी। Apart from that, I'm very, my nature is very jolly kind of, and very bubbly. So, yeah, like happening type, thoda waisa sa. So I care a lot, or I love a lot. I'm very soft-hearted type of person. Haan, but gussa aa jata thoda. Okay. रिया, अगर हम बात करें आपकी हॉबीज की, तो इस वीडियोस के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज है, वीडियो क्रिएट करने के अलावा टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो? I love to do dance, like मतलब मुझे डांस मैंने कभी सीखा नहीं है, बट मुझे लाइक बहुत ही ज्यादा क्रेज है कि मैं बहुत ही अच्छे लेवल का डांस सीखूं, लाइक हिप हॉप ब्रेक डांस टाइप, जैसे लोग करते हैं ना अपनी पूरी बॉडी ऐसे मूव कर लेते, आई रियली लव दैट एंड एंजॉय दैट। तो मुझे एक्टिंग के अलावा डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ऑब्वियसली मुझे गाना गाना भी बहुत पसंद है, बट मेरी वॉइस बहुत ही बेकार है, सो मैं नहीं ट्राई करती हूँ। आल्सो आई राइट पोएट्रीज, आई लाइक राइटिंग पोएट्रीज एंड ऑल, तो कभी कभी वो भी। रिया, कब कब सोचा आपने कि मुझे इस फील्ड में जाना है आगे? जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे मैं लाइक अपने डांस के ऑडिशन लाइक प्रिपेयर कर रही थी डांस के ऑडिशन के लिए, सो गलती से मैं एक्टिंग के ऑडिशंस में चले गई, लाइक मतलब मुझे नहीं पता था, उन लोगों ने मेरा नेम लिख लिया एंड दे वर लाइक कि अब नेक्स्ट आपको तो आपको जाना पड़ेगा, तो तब मुझे पता चला कि तू एक्टिंग के लिए है, और मैं अपना नेम भी विड्रॉ नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरा नेम वो लोग बोल रहे थे माइक पे क्या कौन है, आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँगी। तो एक यूट्यूब पे उसी टाइम पे मैंने कोई एक वीडियो देखी थी, फेम रिपब्लिक समथिंग कुछ था, फेम कॉमेडी वीडियोस का कुछ पार्ट था, तो आई जस्ट थॉट कि चलो कोई बात नहीं, मेरा नेम ले लिया तो मैं जाके बोल दूंगी, लाइक बोलना ही तो है, वैसे भी रिजेक्ट कर देंगे। सो आई डिड स्टैंड अप कॉमेडी, तो उनको लाइक इतना अच्छा लगा वो, आई डोंट नो, बट उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया उसके बाद। देन आई थॉट कि चलो कोई बात नहीं, अभी डांस में नहीं हुआ तो एक्टिंग में हो गया, ट्राई करते हैं। देन उन्होंने लाइक फिर काफ़ी चीज़ें सिखाई, थिएटर सिखाया, मोनो एक्टिंग सिखाई, एंड वी यूज टू डू नुक्कड़ नाटक, और 25 लोगों का पूरा ग्रुप होता है एंड सबके सामने, सो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि अच्छा एक्टिंग में ये भी होता है, ऐसे भी करते हैं, तो मुझे बहुत लाइक अच्छा लगने लगा। तो 3 ईयर्स मैंने फिर एक्टिंग को दिए, एंड देन आई डिड टीवी शो और फिर टिकटॉक। और ये पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज करते हो ये सब चीजें, अपना प्रोफेशन और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हो आप? एक्चुअली अभी तक मैनेज इतना किया नहीं, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन टाइम था, व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तभी मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। सो 2 साल तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने कुछ इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, हाँ बट कॉलेज में मैं एक्टिंग करती थी, थिएटर करती थी, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो पढ़ाई के बाद हम लोग को शाम को रुकना होता था। आई स्टार्टेड टिकटॉक, तो उसमें मुझे ऐसे पढ़ाई बीच में नहीं आई, बिकॉज वो तो वीडियोज कभी कभी बनाना एंड मतलब घर आके भी बनाना, तो वो चल जाता था। और जब मुझे शो मिला टेलीविजन का, तब यस मैंने ब्रेक लिया था पढ़ाई से 2-3 मंथ्स का, बट वो लास्ट में कैसे भी करके लाइक पूरे पूरे दिन पढ़ के कवर अप करना पड़ा, तो उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, तो अभी 1 ईयर तक तो नो कॉलेज का टेंशन, नो पढ़ाई का टेंशन, सो आई एम फ्री। बस हाँ, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 1 मंथ मैंने थोड़ा लाइक किया था, मैं रात को पढ़ाई करती हूँ और फिर सुबह वीडियोज बनाती थी।
रिया, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? आप आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं एक बड़े से लाइक थिएटर में बैठी हूँ और मैं अपनी मूवी देख रही हूँ. सो या मतलब दैट विल बी द बेस्ट थिंग. लाइक मतलब मेरी लाइफ में वो सबसे स्पेशल मोमेंट होगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, तब मुझे ऐसा लगेगा. ये अभी तक बॉलीवुड से कोई ऑफर मिला है कभी? नहीं, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया. मैंने टीवी शोज के लिए ट्राई किया तो आई गॉट इट. उसके बाद फिर मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, देन आई केम दिल्ली. मैंने फिर वो शो भी छोड़ दिया बीच में ही, मेरे एग्जाम्स थे. तो जब मेरे एग्जाम्स ओवर हो गए उसके बाद मैं गई ही नहीं. और इस साल जाने का प्लान था बट दिस कोरोना थिंग हैपेंड एंड आई एम स्टिल स्टक हियर. रिया, अगर हम बात करें कि आप जब कहीं घूमने जाते हो, चाहे पेरेंट्स के संग जा रहे हो, फैमिली के संग या किसी फ्रेंड्स के संग भी, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते होंगे सेल्फी क्लिक कराने के लिए और लोग आपको पहचानने लगे होंगे, तो कैसा लगता है जब कोई आके आपसे पूछता है कि मैम कैन आई गेट अ सेल्फी विद यू? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. लाइक मतलब बहुत ही स्पेशल फील होता है कि यार आपको कोई जानता है. लाइक यू आर नॉट समवन की मतलब एक वो होता है ना कि मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, अभी माइंड में नहीं आ रहा, बट वो होता है कि नोबडी टाइप्स पर्सन. तो आप उस नोबडी से एक अच्छे लेवल पर हो, एक थोड़े ऊपर लेवल पर हो जहाँ पे लोग आपको जानते हैं एंड लोग आपको इतना प्यार करते हो. जब उस सेल्फीज के लिए बोलते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. लाइक एक मोमेंट भी था ऐसा कि इट वॉज माई बर्थडे एंड आई वॉज गोइंग होम. सो हम लोग की कार ट्रैफिक में थी, लाइक रेड लाइट पर खड़े थे हम लोग. तो वहाँ पे दो चार लोगों ने रिकॉग्नाइज किया होगा, तो दे वर लाइक मतलब ऐसे शीशे पे नॉक कर रहे थे एंड दे वर लाइक कि हाय रिया, वी नो यू, और लाइक मैंने आपको देखा है, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू. आई वाज लाइक आई वाज सो हैप्पी. मुझे लगा कि भाई मतलब ऐसे बीच में रोक के तो बहुत ही अच्छा फील हुआ था. कभी मम्मी पापा के संग गए हो और ऐसा कुछ हुआ है तो उनका कैसा रिएक्शन रहा है? हाँ ऐसा हो, लाइक मैं मॉम डैड के साथ कभी भी किसी मैरिज में जाती हूँ, उनके फ्रेंड्स के या कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं. वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं फोटोज एंड ऑल क्लिक करवाने. तो बस एक ही प्रॉब्लम होती है, मुझे खाना नहीं खाने देते लाइक फोटोज में इतना बिजी. बट हाँ मॉम डैड को भी बहुत अच्छा लगता है. दो वो ऐसे बोलते नहीं है, मतलब मेरे सामने नहीं बोलते, बट कभी किसी रिलेटिव से बात कर रहे होते तो बोलते हैं कि हम ऐसे गए थे तो लोग आए थे फोटोज खिंचवाने. ओके रिया, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, आप क्या सोचते हो कंटेंट क्रिएट करने से पहले ऑडियंस के लिए? क्या सोच के कंटेंट क्रिएट करते हो? मैं मोस्टली ये सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे लोगों को एक यू नो मॉरल मिले उसके पीछे, और कुछ मतलब कुछ सीखने को मिले. सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दैट. और जब मतलब जब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता तब तो नॉर्मल एक्टिंग वीडियोस या एक्सप्रेशंस के साथ खेलना थोड़ा बहुत वो. और जैसे मुझे डांस इतना मतलब मैंने सीखा नहीं है, बट हाँ आई ट्राई टू डू, तो मैं उस पर भी फोकस करती हूँ कि मैं और अच्छे से और बेटर तरीके से कर सकूँ. लाइक मैं अपने आप को भी इम्प्रूव करने का ट्राई करती हूँ कॉन्टेंट बनाने से पहले. ये फर्स्ट वीडियो वो कौन सी थी जिसने आपकी लाइफ चेंज करी थी या आपके लिए सब कुछ चेंज हो गया था उस वीडियो को बनाने के बाद? वो फर्स्ट वीडियो था जो मैंने आई गेस टिकटॉक पे एक ऑप्शन होता है वो स्लोमो टाइप का, तो उस पर बनाया था. एंड इमोशनल वीडियो था काफी, और वो गाना भी बहुत पुराना टाइप्स कुछ था. तो एक कंसेप्ट वीडियो था कि कोई मतलब कोई पर्सन सामने खड़ा है, लाइक ही विल बी माय बॉयफ्रेंड एंड ही इज चीटिंग ऑन मी एंड ही इज विद सम अदर गर्ल एंड जस्ट आई सॉ देम एंड आई वाज लाइक वेरी एंग्री. और फिर उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. एंड देन आई टर्न एंड आई स्लैप्ड हिम एंड आई वाज लाइक कि लाइक बस अब इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होता. आई वाज फुल ऑफ टीयर्स. सो दैट वीडियो हिट 1 मिलियन लाइक्स. सो आई वाज वेरी हैप्पी. और उसके बाद ही लाइक सब कुछ चेंज हुआ. पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी. माय इंस्टाग्राम वाज ऑन पीक. चॉइस हो अगर आपके पास कि डेली सोप और बॉलीवुड मूवीज में, तो किसे चूज करोगे? Obviously Bollywood movie. Obviously. At least इसमें शांति तो होती है, इसमें तो कभी भी बुला लेते हैं. और जैसे अगर सुबह का भी लाइक मतलब होता है ना कि what do we call
सुबह का सीन होता है मे बी जो भी है या मेरा जितना भी पार्ट होता है तो वो पूरे दिन तक बिठा कर रखते हैं कि आप लोग जा नहीं सकते. इट सक्स पूरे 7 to 8 hours एक ही रूम में बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, बहुत प्रॉब्लमेटिक है. ये कभी ये स्टार्ट करने से पहले कभी सोचा था कि मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी? नहीं, मैंने यूजुअली टिकटॉक भी अपने फ्रेंड्स के कहने पे स्टार्ट किया. दे वर लाइक कि यहाँ पे लोग ना बहुत फेमस होते हैं तो तू स्टार्ट कर. मैंने बोला कि यार फेमस मतलब मुझे लगता था मैं कभी फेमस नहीं हो पाऊंगी. मुझे क्योंकि मैंने कभी थिएटर से बाहर कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया था. मैं कभी कैमरा पे देख के ऐसे वीडियोस बनाऊं, आई गॉट नर्वस. सो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं तेरी एक्टिंग अच्छी है, तूने 3 साल ट्राई भी किया है मतलब थिएटर किया है तो यू शुड ट्राई. 15 सेकेंड की तो वीडियोज बनानी होती है, इतना मुश्किल नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करूंगी. बट धीरे धीरे फिर लोगों को पसंद आने लगी वीडियोस. सो इट वाज फॉर गुड. तो रिया यू आर गिविंग कंटेंट फॉर जोश नाउ, सो हाउ इज द जोश? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और मेरे लाइक्स भी अच्छा आ रहे हैं वीडियोस पे, नो डाउट. मैं कुछ भी डालती हूँ तो अभी मेरी मतलब रीसेंट वीडियोस ही मेरे विद इन 24 hours 1 million व्यूज क्रॉस कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा. बट फॉलोअर्स थोड़े कम बढ़ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों. लाइक्स तो अच्छे आ रहे हैं बट ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब धीरे धीरे आई विल वर्क ऑन इट कि वो बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रो कर जाए. कोई बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जिसे आप फॉलो करते हो? आई फॉलो शाहिद कपूर और एक था ऑलरेडी बट ही इज गॉन नाउ सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम. बट या ऐसे शाहिद कपूर रखो. Yeah, have you ever dated someone from social media? No. Never. No. Actually, I don't speak. I'm not, you know, very open to people on social media. मैं बहुत ही like मतलब जैसे अगर मैं किसी को face to face जानती हूँ तो मैं उन्हीं से ही ज़्यादातर बात करती हूँ. और I'm not active on social media a lot. मैं बस आती हूँ, फोटोज पोस्ट करती हूँ, वीडियोस डालती हूँ और उसके बाद आई जस्ट फ्लू अवे. कुछ होश नहीं होता. ओके प्रिया, कहीं बाहर जाना होता है तो हाउ मच टाइम यू टेक टू गेट रेडी? इट डिपेंड. अब कोई बहुत ज्यादा स्पेशल ओकेजन है जैसे आई एम रियली मैड फॉर नवरात्रि सो इट वाज लाइक हमें 9 days जाना होता था. सो कभी मतलब बीच में 2-3 दिन तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते थे, मतलब स्पेशल डांडिया नाइट्स होती थी. तो मैं 5 बजे से तैयार होना शुरू होती थी शाम के और 8 o'clock तक. हाँ मैं 8 o'clock तक रेडी होती रहती थी. लाइक मतलब बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे से. और हाँ मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे बट वैसे मुझे हाथ ना लगते हैं. Which attire you love the most to wear? I like ऑफ शोल्डर वन पीसेस जो होते हैं, ऑफ शोल्डर लाइक ऑफ शोल्डर फुल स्लीव टाइप, बिकॉज उसमें आई डोंट लुक स्लिम. वैसे आई लव वन पीस टू वेयर बट आई क्वाइट लाइक स्लिम, आई क्वाइट लुक स्लिम तो इसलिए मैं इतना वेयर नहीं करती. योगा जिम ये सब करते हो? या आई ट्राई डूइंग जिमिंग अ लॉट, लाइक अ लॉट, बहुत ही ज्यादा. बट देन मेरा वेट गेन नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया. रियल लाइफ में कभी कोई ऐसा फनीएस्ट मोमेंट जो आपको हमेशा याद हो अब तक का? हाँ एक है मोमेंट. मैं जब अपने जब मैं दिल्ली से मुंबई जा रही थी फॉर माय टीवी शो तो एयरपोर्ट पे मैं बात कर रही थी फोन पे अपने फ्रेंड्स के साथ. सो मैं बात करते करते गलती से बॉयज वॉशरूम में चले गए एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल देयर और वो मैं तो मतलब ऐसे देख रहे थे और मैं उनको ऐसे देख रही थी तो मैं फिर मैंने बाहर देखा. मैंने बोला अरे शिट मैं तो गलत जगह पे आ गई. वो मतलब इतना एम्बेरस हो गए थे मुझे देखकर और मैं मतलब मुझे भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुआ. बट उसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई कि भाई. रिया अगर कोई भी एक फेवरेट डायलॉग चाहे बॉलीवुड से या डेली सोप से कोई भी एक फेवरेट डायलॉग लास्ट में जो आप बोलना चाहते हैं? आलिया भट्ट का ही डायलॉग मुझे लगता है कि तुमको एक बार बोल दिया ना नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत की हो हमारे घर
व्हाट वाज दैट? बहुत एक सेकंड, बहुत घटिया हरकत किए हो हमारे घर रिश्ता भेज के अगली बार ये बात अपने भेजे में डालकर ताला मार लेना. कुछ ऐसा ही था. आई डोंट रिमेम्बर पूरा, बट या कुछ ऐसा ही था. ओके, थैंक यू सो मच रिया फॉर ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू, यू आर टू क्यूट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.